महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महाभारत मची हुई है। पहले कई दिनों तक सरकार नहीं बनी। शुक्रवार को ये खबर आती है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन शनिवार की सुबह होते होते सारा खेल ही बदल जाता है। शनिवार की सुबह 5:45 पर जब उद्धव ठाकरे चैन की नींद सो रहे होंगे, उसी वक्त महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है और सुबह करीब 8 बजे देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। अचानक हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मच जाता है और मामला दिल्ली में स्थित देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजों की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद 3 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार से कुछ दस्तावेज मांगे हैं, जिन पर बीजेपी के सरकार बनाने, राष्ट्रपति शासन हटाने और आगे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब होंगे। तो आप भी जान लीजिए कि आखिर वो 3 दस्तावेज कौन से हैं जिन पर महाराष्ट्र के देवेंद्र सरकार का भविष्य टिका हुआ है। नंबर 1, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने वाला पत्र। नंबर 2, सरकार बनाने का दावा करने के लिए विधायकों के समर्थन की चिट्ठी देवेंद्र फडणवीस से मांगी गई है। नंबर 3, राज्यपाल को सरकार बनाने की पेशकश करने वाली देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी। रविवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 दस्तावेजों की मांग की है, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट देवेंद्र फडणवीस सरकार के भविष्य का फैसला कर सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 25 नवम्बर को होगी।